फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डिले डिलीवरी वाले ऑप्शन के बारे में, कि ऐसे आप आउटलुक में इसे यूज़ कर सकते हैं। ये आपके बहुत काम आ सकता है। अक्सर क्या होता है, जैसे आपको किसी को मेल करना है, बर्थडे मैसेज करना है, न्यू ईयर मैसेज करना है, या आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी को आप ईमेल करना चाहते हैं, बट आपको वो याद नहीं रहता और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर डेट एंड टाइम पे उसे वो मेल सेंड कर सके, तो ये आप अपने आउटलुक से कर सकते हैं। इसमें डिले डिलीवरी का एक ऑप्शन होता है, उससे आप सेट करके वो मेल को सेट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली चले जाएगी। बट ये तभी काम करता है जब आपका आउटलुक ओपन हो और आपका इंटरनेट चल रहा हो। तो मैं आशीष रावत आपका स्वागत करता हूँ आईडिया टेक एजुकेशन चैनल में। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कहते हम डिले डिलीवरी को आउटलुक में यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कैसे हम आउटलुक में डिले डिलीवरी को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको पहले सबसे पहले एक न्यू ईमेल बनानी होगी। तो आप एक नई ईमेल बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नई ईमेल बना रहा हूँ। सपोज मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड को लिख देता हूँ, हाय चंदन, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो मैंने यहाँ पे उसको बर्थडे एक मैसेज भेज रहा हूँ, बर्थडे विशेज। मैं चंदन को यहाँ पे एक बर्थडे विशेज भेज रहा हूँ, बट मैं इसे आज सेट कर रहा हूँ, बट मैं चाह रहा हूँ कि एक महीने बाद उसको सेंड हो उसके बर्थडे पे। तो मैं वो यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे उसकी आईडी डालनी पड़ेगी। इसके बाद करना क्या होगा, मुझे यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन मिलता है, तो मैं ऑप्शन में जाता हूँ। ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक डिले डिलीवरी का एक ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होकर आ जाएगी प्रॉपर्टीज की। तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ एक डिलीवरी ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ें सेट कर सकते हैं। डू नॉट डिलीवरी बिफोर, अगर आप चाहते हैं कि इससे पहले, इस डेट से पहले डिलीवर ना हो, तो वो आप सेट कर सकते हैं। सपोज मेरे फ्रेंड्स का बर्थडे नवंबर में है, तो मैं यहाँ पे 18th नवंबर ले लेता हूँ और उसके बाद मैं टाइम ले लेता हूँ कि वो 12 बजे से पहले ना जाए। तो मैं 12 बजे का ले लेता हूँ कि 18, 11, 12 बजे से पहले ये मैसेज ना जाए, क्योंकि मुझे ये चीज़ याद नहीं रहेगी कि कब उसका बर्थडे आएगा, हो सकता है मैं भूल जाऊँ। तो बट मैं चाह रहा हूँ कि मेरी तरफ से एक मेल उसके पास चला जाए। तो मैंने उसके बर्थडे की डेट सेट कर दी, टाइम सेट कर दी कि इससे पहले नहीं जाएगा उसके पास मेल, उसके बाद चला जाएगा। एक्सपायर आफ्टर आता है उसके बाद ऑप्शन, तो एक्सपायर आफ्टर को भी सेट कर सकते हैं कि आप चाह रहे हो उसके बाद वो मेल ना जाए, आप इसे एक्सपायर आफ्टर कर सेट कर सकते हैं, तो यहाँ से वो मेल एक्सपायर भी हो जाएगा। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलता है सेव कॉपी टू सेंड मैसेज, तो आपको उसको सेव ही रखना है ताकि आपको सेंड मैसेज में दिखाता रहे। यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट्स का सेव कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे सेव नहीं कर रहा हूँ। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे क्लोज करना होगा, तो मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। इतना करने के बाद यहाँ पे मेरा डिलीट डिलीवरी का ऑप्शन यहाँ पे सेट हो गया। बट ये तभी मेल मेरा जाएगा जब मेरा लैपटॉप इस डेट और टाइम में ओपन रहेगा, तभी ये मेल जाएगा। अगर मेरा लैपटॉप बंद है और मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, तो ये मेल नहीं जाने वाला। इसलिए मुझे अपना लैपटॉप और इंटरनेट इस डेट एंड टाइम में यहाँ पे ओपन होना चाहिए। तो इसके पे ये एक टर्म एंड कंडीशन होती है। इसके बाद मुझे करना क्या होगा, मैं यहाँ से सेंड कर दूंगा। तो उसके सेंड करने के बाद मेरा मेल यहाँ से चला जाता है। अगर आप सोच रहे होंगे इसको सेंड एंड रिसीव करेंगे मेल चला जाएगा, ऐसा नहीं है। आप सेंड एंड रिसीव भी करेंगे तब भी आपका मेल नहीं जाएगा। आप अगर सेंड बॉक्स में जाके यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे मेल भी नहीं दिखाएगा। अगर आप आउटबॉक्स में चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक मेल दिखाएगा, चंदन कुमार को मैंने बर्थडे विशेष भेजा है। तो यहाँ पे मैसेज आपको दिखा देगा कि आज की डेट में मैंने उसे भेजा है, बट ये मैसेज अभी नहीं जाने वाला। ये मैसेज जो मैंने डिले डिलीवरी में सेट किया है, जो डेट एंड टाइम, उसके बाद ही उसको डिलीवर होगा। इस तरीके से अगर आप भी चाहते हैं किसी को टाइमली कोई मैसेज भेजना और आपको याद नहीं रहता, तो आप पहले से सेट करके रख सकते हैं, तो उस डेट एंड टाइम में वो उसके बाद पहुंच जाएगा मैसेज। आई होप फ्रेंड, आज आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम डिले डिलीवरी के ऑप्शन को आउटलुक में यूज़ कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी बनाई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।